हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आप सबको लेकर आ गया हूं दोस्तों चाणक्यपुरी के G20 थीम पार्क में। दोस्तों इसके अंदर मैं आप सभी को लेकर चलूंगा और बाकी जो है दोस्तों यहां की टिकट प्राइस के रहने वाली है और आप यहां कैसे आ सकते हैं, यहां की लोकेशन के रहने वाली है और बाकी जो है यहां की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन सभी से रिलेटेड जो है ये आज की वीडियो रहने वाली है। बाकी G20 थीम पार्क में मैं आप सभी को अंदर लेकर चलूंगा कि इसके अंदर आपको कितने जो है G20 जो 20 देश जो शामिल है G20 में उसके उनके आपको जो है यहाँ पर नेशनल बर्ड्स और नेशनल एनिमल जो है आपको इस पूरे थीम पार्क में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये ब्लॉग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का ये बाहर का मेन चाणक्यपुरी का मेन रोड है। बाकी यहाँ का नियरेस्ट जो एरिया रहेगा दोस्तों वो चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन का है, वहाँ से जो है लोकेशन आप सर्च करके जो है आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी बात रही दोस्तों यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो दोस्तों यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो रहेगा दोस्तों धोलकवा का। बाकी एक और मेट्रो स्टेशन है वो है सर एम विश्वेश्वर राय मेट्रो स्टेशन, जो है वो यहाँ की पड़ जाएगी। बाकी जो है दोस्तों आप मेट्रो से यहाँ तक आने के लिए रिक्शा या किसी का भी जो है सहायता लेकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये G20 पार्क का मेन एंट्री गेट है, इसी से एंट्री है और इसी से एग्जिट है। तो आप अंदर भी इसी से जाओगे और बाहर भी इधर से ही आओगे। बाकी अंदर काफ़ी बड़े एरिया में जो है वो पूरा थीम पार्क जो है पूरा बना रखा है बाय बेस्ड G20 पर। बाकी देखिए दोस्तों बाहर इसके कितनी सारी, देखिए G20 जो समिट है जो दोस्तों दिल्ली में हुआ है उसको लेकर जो पूरा ये एरिया है ये पूरा बना रखा है, जैसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर देख रहे हैं कितने अच्छी तरीके से। दोनों तरफ आपको यहाँ पर बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए एंट्री गेट के साथ में ही, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दर्शाए गए यहाँ पर, ये देखिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का, देख रहे हैं। तो चलिए भाई फटाफट चलते हैं पार्क के अंदर और अंदर जो है पूरा का पूरा फुल टूर करते हैं पार्क का। बाकी आपको बता दूं दोस्तों पार्क की जो है कोई भी एंट्री फीस नहीं है, पार्क की जो चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। तो चलिए भाई यहाँ से एंट्री, ये खुला हुआ है यहाँ से। तो ये देखिए भाई यहाँ से आ गए हैं अंदर, ये देखिए भाई सबसे पहले अंदर आते ही हमें यहाँ पर देखिए पार्क के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे इन कलाकृतियों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और ललित कला अकादमी के संयुक्त पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा बनवाया गया है। तो ये पूरी आप देख सकते हैं कि इनको किसने बनवाया और कैसे कैसे ही पूरा बनाया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ मिल जाएगी, देख रहे हैं। बाकी ये पूरा पार्क आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा पार्क बना हुआ है, देख रहे हैं। बाकी आपको इस पूरे पार्क में जो है दोस्तों G20 समिट में जितने भी देश शामिल है, जैसे कि 20 देश शामिल है, तो आपको इसके अंदर 20 देश के जो नेशनल बर्ड एंड एनिमल्स है वो आपको इस पूरे पार्क में देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों जैसे आप पार्क में एंट्री ले रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो एंट्री लेते हैं हमें सबसे पहले इधर की तरफ हमें सबसे पहले जो एनिमल देखने को मिलता है वो ऊँट देखने को मिलता है जो कि कैमल है। बाकी बताया गया है यहाँ पर जो ऊँट है वो सऊदी अरब का एनिमल आपको देखने को मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है इस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, देख रहे हैं कैमल और उसके नीचे पूरा जो देश है कौन से देश का एनिमल है, तो उसके बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैमल जो है सऊदी अरब का नेशनल एनिमल है। तो ये देख सकते हैं भाई कितनी सुंदर तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो है कैमल बनाया हुआ है, देख रहे हैं एक बार इसको देखिए, इसमें कितने सारे नट बोल्ट और कई सारी रॉड से जो है इसके पूरे पैर तैयार किए गए हैं। और ये देखिए वायर जो होती है दोस्तों जो रोड्स पर जो पूरे पिलर्स पर वायर्स लगाई जाती हैं ये उनसे जो है इसकी रस्सी बनाई गई है, तो कुछ इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है कैमल है वो बनाया गया है। बाकी देखिए दोस्तों कैमल के बाद जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है अमेरिकन बाइसन, भाई ये देखिए बिल्कुल भाई ये एक मेरे को सांड भी लग रहा है देखने में, ये देखिए। और पूरा का पूरा जो है ये पूरा जो अमेरिकन बाइसन है ये पूरा का पूरा जो है सिलेंडर से बना रखा है, जो कि इंडियन सिलेंडर जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उससे जो इस्तेमाल करके जो है ये पूरा बनाया गया। एक एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी चेहरे पर और मत्थे पर, ऊपर देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं, ये पूरा जो है ये पूरा का पूरा सिलेंडर से बनाया गया। बाकी यहाँ से दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये देख रहे हैं इधर से भी देखिए देखने में ऐसे ही पता चलेगा,
कि हर एक आपको सिलेंडर जो है पूरा कट करके इसको एक एक सीन जोड़ा गया है। तो कुछ इस तरह से जो है पूरा बनाया गया, बाकी बताया गया कि ये कौन से देश का पशु है। देख रहे हैं, अगर आप पास चलें तो पास देखने पर पता चलता है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है ये अमेरिकन बाइसन है। देख रहे हैं, जिसे आप अमेरिकी बाइसन भी आप कह सकते हैं। ये देखिए, इस पर देखिए आँखों में देखिए किस तरह पूरा जो है ये पूरा बनाया गया है। ये देखिए अलग अलग सिलेंडर्स से जो है पूरा चीज़ जो है पूरी बॉडी तैयार की गई है। देखिए पैर देखिए किस तरह बनाए गए हैं। देख रहे हैं भाई, काफ़ी अलग अलग तरीके से जो है ये पूरा बनाया गया है। तो चलिए भाई, अब अगले इसमें चलते हैं, एनिमल में देखते हैं और क्या क्या जो है हमें इस पूरे पार्क में पूरा देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। बाकी देखिए दोस्तों, अगले जो हमें यहाँ पर पशु या पक्षी देखने को मिलते हैं वो है भारत का। देख रहे हैं, भारत का इंडियन पीकॉक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये देखिए भाई कितना सुंदर लग रहा है। देख रहे हैं, हमारे देश का फ्लैग भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस पर बताया भी गया है कि इंडियन पीकॉक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। देख रहे हैं पीकॉक, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए भाई कितने सुंदर तरीके से चैन नट बोल्ट जो होते हैं दोस्तों, उससे ही पूरा बनाया गया है। देख रहे हैं, ये देखिए पैर को वो रॉड से बनाया गया है, बाकी देखिए किस तरह जो है पंखों को बनाया गया है। देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह लग रहा है। देखिए जो चैन की रिंग्स होती है उससे पूरा जो है ये पूरे पंख बनाए गए हैं। बाकी देखिए यहाँ पर कितना अच्छा जो है आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स भी यहाँ देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए भाई, आप जैसे अगर आप इस पार्क में आते हैं, थीम पार्क में, आपको यहाँ पर बैठने के, देखिए पेड़ ऊपर पेड़ है, पेड़ के ठीक नीचे जो है यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट कितनी अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं पार्क के कोने कोने एरिया में। देख रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हाँ हमें कौन से देश का जो है राष्ट्रीय पशु देखने को मिलता है। बाकी देखिए दोस्तों, ये है कोमोडो ड्रैगन। देख रहे हैं भाई, ये देखिए भाई काफ़ी, मेरे को तो दोस्तों काफ़ी बड़ी लिजर्ट भी लग रही है देखने से, लेकिन इसमें बता रखा है ये कोमोडो ड्रैगन है, जो कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु है। देख रहे हैं, ये देखिए भाई कितना बड़ा है एनिमल है। देख रहे हैं, बाकी देखिए दोस्तों, इन अलग से यहाँ पर जो एनिमल्स बनाए गए हैं उनसे अलग देखिए पूरा एरिया जो है गार्डन का, पूरा ग्रीनरी एरिया है। देख रहे हैं, ये देखिए भाई कितना ग्रीनरी एरिया आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, ये देखिए भाई यहाँ पर आपको जो है पूरा गार्डन टाइप, देखिए यहाँ पर आपको फाउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ फाउंटेन्स चल रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ गए और देखिए कितना अच्छा लग रहा है फाउंटेन चलते हुए। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी ये तो आपने देख ली। देखिए कितने सुंदर तरीके से जो है ये फाउंटेन्स बना रखे हैं, रात में लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग से जो है चार चांद लग जाते हैं इस पूरे एरिया में। बाकी देखिए यहाँ जो यहाँ पर जो फाउंटेन्स चलाए गए हैं, इसका टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टाइमिंग्स बताए गए हैं यहाँ पर, ये सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलता है, फिर दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक, और फिर शाम को 5 बजे से 8 बजे तक जो है ये चलाया जाता है। 8 बजे क्योंकि 8 लास्ट ही हुआ है, क्योंकि दोस्तों 8 बजे ये जो पूरा पार्क है ये बंद हो जाता है। बाकी दोस्तों मैंने आपको इस पार्क का जो है थीम पार्क का मैंने आपको ऑलरेडी ही ब्लॉग मैंने बनाया था यहाँ का, जिसमें मैंने आपको दोस्तों इसका पूरा फुल टूर कराया था। लेकिन उस टाइम जो था दोस्तों इसका पूरा काम नहीं हो पाया था, उस टाइम इसका अधूरा काम हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें जो है एनिमल्स देखने को मिल गए थे। बाकी इसका जो छोटा मोटा काम था कि नीचे के जो फुटपाथ हैं, यहाँ के जो एरिया के फुटपाथ जो बनाए गए हैं वो यहाँ के पूरे नहीं हुए थे। बाकी जो फाउंटेन्स था, ये फाउंटेन्स यहाँ जो है ये चालू नहीं हुए थे, तो अब जो है ये फाउंटेन्स चालू हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। और G20 को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है ये काफ़ी सुंदर बनाया गया G20 को लेकर के। अगर G20 को लेकर दोस्तों ये थीम पार्क है, इसमें हमें जो है जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से देश G20 में शामिल है और उनके कौन से राष्ट्रीय पशु और पक्षी जो है हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं, आप इसे मुर्गा भी कह सकते हैं, मुर्गी भी कह सकते हैं, भाई पता नहीं चल पा रहा है। ये देखिए भाई, ये मुर्गा है, देख रहे हैं, ये देखिए भाई कितने बड़े साइज़ में मुर्गा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ये देखिए भाई, ये देखिए चेहरे पे देखिए किस तरह जो है
चैन से जो है इसके नीचे का एरिया बनाया हुआ है यहाँ पर। बाकी ये देखिए ऊपर ऊपर देखिए ऊपर रिंग्स, एक छोटे से रिंग्स से जो है इसकी आंख बनाई गई है, देख रहे हैं। बाकी देखिए रॉड से जो है इसका पूरा शरीर तैयार किया गया है, ये देखिए। बाकी बताया गया ये जो है दोस्तों ये गैलिक रोस्टर यानी कि गैलिक मुर्गा आप इसे कह सकते हैं, जो कि फ्रांस का जो है ये राष्ट्रीय पशु या पक्षी है, देख रहे हैं। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ देखने को मिल गया हमें पूमा, प्यूमा भी आप कह सकते हैं, देखिए हिंदी में इसको प्यूमा कहते हैं, बाकी इंग्लिश में से पूमा भी कहते हैं, देख रहे हैं। ये देख सकते हैं प्यूमा जो है ये दोस्तों अर्जेंटीना का नेशनल पशु है, देख रहे हैं। ये देखिए भाई कितने सारे रिंग्स है जो है इसका पूरा निर्माण कराया गया है, देखिए अलग अलग 22 के रिंग्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखिए कितनी सारी स्प्रिंग से पैर बनाए गए हैं और कहीं कहीं सारे चीज़ों से ये देखिए इस्तेमाल करके जो है पूरा एरिया जो है इसको तैयार किया गया है, देख रहे हैं। ये देखिए आगे का जो मुंह है दोस्तों ये आप बाइक के बोनट कह सकते हैं, जो पेट्रोल भराने का बोनट होता है उससे ये पूरा तैयार किया गया, देख रहे हैं। तो इन सबसे जो है पूरा एरिया जो पूरा जो ये प्यूमा है ये तैयार हुआ है। बाकी देखिए बैठने के अरेंजमेंट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए पूरा एरिया देखिए ऊपर से कितने ग्रीनरी लग रहा है, देख रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाता है हमें भूरा भालू, जिसे आप ब्राउन बियर भी आप कह सकते हैं, जो कि दोस्तों ये रशिया का नेशनल पशु है, नेशनल एनिमल है। देखिए इसे कितनी सुंदर तरीके से जो है रिंग्स और बाइक गेयर्स और कई सारे जो है रॉड से जो है इसको पूरा तैयार किया गया है, ये देखिए ज़्यादातर ये देखिए ब्रेक्स भी हैं, ये देखिए इन सभी से जो है कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके ज़्यादातर आयरन और वेस्ट मटीरियल जो होते हैं ना दोस्तों बाइक्स के। और ये देख सकते हैं दोस्तों इसके पैर जो है ना वो बाइक्स के स्टैंड से बनाए गए हैं, देख रहे हैं बाइक्स के स्टैंड है ये, तो उससे पूरा तैयार किया गया है ये ब्राउन बियर। ये देख सकते हैं दोस्तों ये है बियर, ये बीवर भी आप कह सकते हैं हिंदी में, बाकी ये कनाडा का नेशनल एनिमल है, ये देख रहे हैं। ये देखिए कनाडा का आपको फ्लैग भी देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों ये जो था हमने ये तो देख लिया, देख रहे हैं। बाकी यहाँ देखिए भाई दोस्तों यहाँ देखने को मिल गया हमें लॉयन, देख रहे हैं। लॉयन जो है दोस्तों वो ग्रेट ब्रिटेन का जो है नेशनल एनिमल है लॉयन, देख रहे हैं भाई। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसका जो पूरा चेहरा है ध्यान से देखें तो चेहरा जो है वो रॉड से तैयार किया गया है, और अगर हम इसकी आंखें देखें ना, आंखें देखिए दोस्तों दिए जो होते हैं ना चार मुंह वाले दिए, उससे जो है इसकी आंखें तैयार किए कि दूर से जो है ये गोल्डन चमके, देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आंखों पे जो है वो करा गया है इफेक्ट, और बाकी पीछे से बॉडी जो है वो पूरी रॉड से बनी हुई है, देखिए पास से दिखाऊं तो ये देखिए। तो कुछ इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है लॉयन बनाया गया है, देख रहे हैं भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी देखिए दोस्तों ये जो एरिया था ये दिखाया, देख रहे हैं ये पूरा ग्रीनरी एरिया था, अब जो है इसका हाफ एरिया जो रह रहा है वो दिखाना रह रहा है, देख रहे हैं। बाकी अगर आप जैसे आते हैं यहाँ पर तो आपको पानी वानी की सुविधा मिल जाएगी और हाथ धोने के लिए, जो यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे टैप बनाए हुए हैं, देख रहे हैं, इसमें आप हाथ धो सकते हैं पानी वानी पी सकते हैं, तो भाई ये भी काफ़ी अच्छा लगा। बाकी देखिए ये पूरा ग्रीनरी एरिया में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इटालियन स्पैरो, देख रहे हैं इटालियन गोरिया भी कह सकते हैं इन्हें, बाकी ये इटली की जो है नेशनल बर्ड है, देखने ये देखिए एक ट्री बनाया हुआ है रॉड से, उसमें जो है ये स्पैरो शो की गई है, देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए इधर, तो ये ज़्यादातर जो है ये भी रॉड से ही बनाई हुई है स्पैरोस, ये देखिए ज़्यादातर काम आपको यहाँ पर बड़ी छोटी रॉड्स जो रॉड्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, तो ये देख सकते हैं इटली का फ्लैग। बाकी देखिए यहाँ देखने को मिल जाती है रेड विंग, रेड विंग आप देख सकते हैं ये तुर्की की जो है ये नेशनल बर्ड है, देख रहे हैं ये देख सकते हैं भाई रेड विंग कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों, बर्ड अपने पंख फैला रखे हैं इस बर्ड ने, देखिए कितनी बढ़िया बना रखे है, देख रहे हैं रॉड से भी बिल्कुल रियल लुक दे रखा है इनको, तो ये चीज़ जो है इनके हाथों में जो हुनर था ये काफ़ी देखने लायक है, देख रहे हैं। बाकी नीचे आप जो नीचे पेड़ जो है ये एक चैन से बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं बाइक के रिंग्स हैं, बाकी ये देखिए बॉडी जो है ये रॉड से बनी हुई है, देख रहे हैं। बाकी इसके बारे में नॉलेज नहीं है दोस्तों, ये पता नहीं किस तरह से जो है ये पूरी जो विंग्स है ये बनाई गई है, देख रहे हैं ये देखिए।
बाकी दोस्तों यहाँ देखने को मिल गई है हमें कोरियन मैकपाई, देख रहे हैं कोरियन मैकपाई आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। देखिए भाई कितनी सुंदर लग रही है, देख रहे हैं ये, देखिए ये भी इनका नेशनल बर्ड है ये देखिए। और भाई काफ़ी रॉड्स और रिंग से जो है ये पूरी बनाई हुई है, देख रहे हैं ज़्यादातर काम इन्हीं का ही किया गया है ये देखिए। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें ना गोल्डन ईगल देखने को मिलती है जो कि मैक्सिको की नेशनल बर्ड है, देख रहे हैं ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से जो है ये पूरी बनाई गई है ये देखिए। बाकी देखिए दोस्तों मैक्सिको के फ्लैग पर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ये देखिए फ्लैग पर भी आपको यहाँ पर देखिए ईगल बनाई हुई है, गोल्डन ईगल, देख रहे हैं। तो इससे पता चल जाता है कि इनके जो नेशनल बर्ड है वो गोल्डन ईगल है ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये देखिए दोस्तों यहाँ देखने को मिल गई है रेड क्राउन क्रेन, देख रहे हैं जिसे लाल मुकुट सरस भी आप कह सकते हैं, जो कि चीन की नेशनल बर्ड है ये देख रहे हैं। ये देखिए भाई कितने सुंदर तरीके से जो है पूरे ये सारस बनाई हुई है, देख रहे हैं ये देखिए रॉड्स का पूरा काम देखने को मिल जाता है, अलग अलग चीज़ों से जो है पूरा डिज़ाइन देकर जो है पूरी बनाई गई है ये देख सकते हैं आप, पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ देखने को मिल गई हमें ग्रीन पेशेंट, ये देख रहे हैं हरा तीतर जो बोलते हैं, हरा तीतर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। देखिए भाई कितना बड़ा और कितने अलग ही तरीके से जो है पूरा हरा तीतर बनाया हुआ है ये देखिए, यहाँ से साइड से देख सकते हैं आप ये देखिए। बाकी दोस्तों पता नहीं किस चीज़ों से क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई है, ये देख रहे हैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो हैं आपको इसमें देखने को मिल जाती है ये देखिए। बाकी ऊपर जो ऊपर का जो एरिया है वो रॉड से बनाया गया है। बाकी देखिए ये भी अलग अलग मेटल की चीज़ें हैं जिसको जोड़कर जो है ये पूरा का पूरा हरा तीतर बन के तैयार होता है, और ये जो है ये जापान का नेशनल एनिमल है, देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग हैं इस थीम पार्क में आने शुरू हो चुके हैं, देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग, ये देखिए भाई यहाँ पर बच्चे भी हैं अलग अलग कंट्रीज से विद फैमिली के साथ में लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये देखिए भाई यहाँ पर, ये देखिए तो इस तरह से जो है आपको लोग यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाता है हमें ईगल, देख रहे हैं ईगल बनी हुई है जो कि जर्मनी की नेशनल बर्ड है, यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है ये देखिए। और यहाँ पे देखिए कई लोग कुछ इस तरह से जो है फ़ोटो शूट कराते हैं, नज़र आ जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अब बारी आपको ये दिखाने की, देख रहे हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा कंगारू, देखिए कंगारू का बच्चा भी है। तो ये कंगारू जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है ये देख सकते हैं भाई, कितनी सुंदर तरीके से पूरा जो कंगारू है ये बनाया गया। बाकी ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी ये देखिए भाई काफ़ी सुंदर लग रहा है। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाता है जैगुआर ओंसा, जैगुआर ओका आपको यहाँ देखने को मिल जाता है जो कि ब्राज़ील का नेशनल एनिमल है ये देख रहे हैं। ये देखिए ब्राज़ील का आप मैप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी ये देखिए पूरा रॉड से तैयार किया गया है, बाकी बॉडी जो है वो बाइक की शेप में पूरा बनाया गया है, देख रहे हैं हीरो होंडा की बाइक का पूरा ये शेप है जिससे पूरा बनाया गया, देखें ये बॉडी है इसकी। बाकी दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाता है स्प्रिंग बॉक, देख रहे हैं स्प्रिंग बॉक, हिंदी में भी स्प्रिंग बॉक आप कह सकते हैं। बाकी ये साउथ अफ्रीका का नेशनल एनिमल है ये देखिए भाई, कितनी सुंदर तरीके से पैर जो है रॉड से बनाए गए हैं, देख रहे हैं बाकी बॉडी भी आपको रॉड से देख रहे हैं। बाकी ये बाइक की ये रिंग्स आप जो हैं पीछे की तरफ देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये देखिए। बाकी दो आपको यहाँ पर स्प्रिंग बॉक देखने को मिल जाएंगे। पता है दोस्तों जब मैं पहले आपको जो पूरा एरिया दिखाया था तो उस टाइम जो है ये पूरा एरिया बनाया नहीं था, देख रहे हैं ये पूरा फुटपाथ जो आप देख रहे हैं। बाकी अब जो है फुटपाथ जो है ये पूरा तैयार हो गया है। बाकी फुटपाथ के साथ में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लावर्स की जो लाइनिंग है ये देख रहे हैं ये आपको अब आपको देखने को मिलेगी। बाकी देखिए यहाँ पर ट्रीज भी लगा दिए गए हैं कई सारे, देख रहे हैं जो कि शायद ये ट्रीज़ हमें ज़्यादातर बीच पर देखने को मिलते हैं, तो कुछ इस तरह से जो है ये हमें यहाँ लगाए गए हैं, देख रहे हैं। और इसी के ठीक साथ में जो है यहाँ पर आगे बढ़ने पर हमें काफ़ी बड़ा फाउंटेन देखने को मिलता है, ये देखिए भाई ये आ गए अब हम फाउंटेन के पास जो कि बीच सेंटर में, पार्क के बीच सेंटर में जो है फाउंटेन बना हुआ है। रात में लाइटनिंग होती है अलग अलग टाइम्स में और काफ़ी सुंदर लगता है दोस्तों, रात में जो है लाइटनिंग से जो है ये पूरा एरिया जगमगा उठता है, देख रहे हैं। तो इस चीज़ से ये काफ़ी अच्छा है। और शाम के टाइम जो है लोग इस पार्क में आना स्टार्ट कर देते हैं, दोपहर में थोड़ी बहुत शांति रहती है
बाकी बाद में जो है लोग यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। एक सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लोगों की आने की संख्या जो है, एक तो मॉर्निंग में है जो कि जॉगिंग टाइम, और उसके बाद इवनिंग के टाइम में जो है लोग यहाँ पर आना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर पूरे पार्क में दोस्तों बीच ये फाउंटेन के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे प्रेसिडेंस ऑफ ची मिन, देख रहे हैं ची मिन आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जो कि बताया हुआ दोस्तों ये वियतनाम के हीरो ऑफ नेशनल लिबरेशन एंड ग्रेट मैन ऑफ कल्चर जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका स्टैचू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये देखिए बाकी देख सकते हैं दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, और शाम के टाइम में जो है दोस्तों यहाँ पर फाउंटेन की जो लाइटनिंग्स है वो जलनी शुरू हो गई है। देखिए रेड कलर की लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, अभी धीरे धीरे करके जो है लाइट जली हैं और बदलती हुई भी नज़र आएंगी यहाँ पर आपको। तो बाकी जो था दोस्तों मैक्सिमम इस पूरे के पूरे जो G20 थीम पार्क का दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरा फुल टूर करा दिया है। तो चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से बाहर, और बाहर जाने का जो एग्जिट गेट है वो भी यहीं से ही है कि अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता यहाँ से ही है। देखिए भाई बाकी जो है दोस्तों यहाँ पर पूरी एरिया में ही जो है लाइटनिंग हो चुकी है, देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरा जो G20 समिट था उसको लेकर जो लाइटनिंग थी वो इस पूरे एरिया में देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ही ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको जो है यहाँ की टिकट चार्जेस बता दिए कि यहाँ की टिकट चार्जेस क्या रहने वाली है, बाकी आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, बाकी यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है कि उससे लेकर जो है आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और बाकी बात रही दोस्तों यहाँ की G20 थीम पार्क की कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको G20 थीम पार्क के अंदर आपको मैंने 20 देश जो शामिल है G20 में उनके जो दोस्तों मैंने आपको नेशनल बर्ड्स और नेशनल एनिमल्स इन सभी को मैंने आपको दिखा दिया, जो कि वेस्ट मटेरियल आयरन है ज़्यादातर दोस्तों, वेस्ट मटेरियल लोहा है उनको इस्तेमाल करके जो है रीयूज कर जो है यहाँ पर आपको ये पूरे नेशनल बर्ड्स और एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ही व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आज का ही व्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।